पटना में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, पुलिस मुख्यालय से एडीजे जितेंद्र कुमार एवं आपदा प्रबंधन विभाग के नोडल पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने मीडिया कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न स्थिति की माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर तथा मुख्य सचिव के स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है तथा जो भी आवश्यक कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। जो अभी की स्थिति है, जो उन के पास रिपोर्ट है, अभी तक 409 केसेस पॉजिटिव आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ब्रीफिंग में इसको डिटेल में बताया जाएगा। जो हमारे आपदा राहत केंद्र चल रहे हैं विभिन्न शहरों में, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ठेला वेंडर हैं, रिक्शा चालक हैं या अन्य ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, इनकी सुविधा के लिए, तो ऐसे केंद्रों की संख्या 203 है और इनमें 72,014 मतलब 72,000 से थोड़ा ज़्यादा लोग इनका लाभ उठा रहे हैं। जो पंचायत में क्वारंटाइन कैंप्स हैं, स्कूलों में बने हैं, उनकी संख्या 1413 आज की तिथि में है और इनमें 13,300 लोग आवासित हैं, जिनको वहाँ गुणवत्तापूर्ण भोजन, आवासन तथा चिकित्सकीय जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जो बिहार के बाहर लोग फंसे हुए हैं, जिनसे कॉल्स और मैसेजेस हम लोगों को आ रहे हैं, चाहे वो बिहार भवन में हो या आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रण कक्ष में हो या मुख्यमंत्री सचिवालय में हो, इनकी कुल संख्या आज बढ़कर 1,26,000 हो गई है। यानी 1,26,000 लोगों से हमें कॉल्स या मैसेजेस आए हैं और इन सभी को अटेंड किया जा रहा है, इनसे फीडबैक लिया जा रहा है वापस फ़ोन करके, तथा संबंधित जो राज्य सरकारें हैं और वहाँ का जो जिला प्रशासन है उससे भी लगातार बात करके इनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर कराने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इन जो कॉल्स आई हैं इनमें से जो सम्मिलित लोग हैं कुल 15,17,000, ये ग्रुप्स में लोग हैं जहाँ से ये लोग कॉल करते हैं। और जो भी बिहार के बाहर ज़रूरतमंद लोग हैं, फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण, उनकी सहायता के लिए जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता में 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति की राशि दी जा रही है सभी को, इसके अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन की संख्या है वो आज बढ़कर 28,29,000 हो गई है और इनमें से लगभग 26,00,000 से कुछ अधिक की जांच हम लोग कर चुके हैं और 17,69,000 के खाते में ये राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है और ये राशि भी शीघ्र ही बैंक की जो प्रक्रिया है उसके पश्चात 1-2 दिन में उनके खाते में पहुंच जाएगी। जो बिहार फाउंडेशन के माध्यम से जो हम लोग राहत केंद्रों के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है, वो करीब 9 राज्यों में 55 कैंप हमारे चल रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया है, और क्यूमुलेटिव जो अभी तक लाभार्थी हैं इन कैंप्स के, उनकी संख्या 13,74,000 हो गई है। एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो एक तो सीमा पर जांच की क्या व्यवस्था है, तो वो संजय आपदा प्रबंधन विभाग में है हम लोगों के साथ, वो बता देंगे बाद में। और एक दिन और भी एक क्वेश्चन आया था कि जो हमारे बाहर मजदूर हैं उनकी संख्या क्या है, मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया था कि कोई क्लियर कट फिगर हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत आवेदन आ रहे हैं इससे हम लोगों को इंडिकेशन मिलता है कि संख्या लगभग क्या होगी। जैसा आज भी मैंने बताया कि 28,29,000 रजिस्ट्रेशन इनके अंतर्गत हो चुके हैं, इसका मतलब है इससे वो संख्या है।